अरे यार, ये साड़ी में कोई सोता है क्या? मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं, सॉरी। क्यों नहीं है? तुम कुछ लेके क्यों नहीं आए? रुद्रा, मैं क्या पहनूंगी? कितनी अनकंफर्टेबल है। मुझे कुछ और चाहिए। मुझे कुछ और चाहिए। कुछ और क्या? यहाँ तो कुछ नहीं है ना, क्या करूँ मैं अभी? तुम्हारी टी शर्ट है ना, दो। मेरी टी शर्ट? मुझे ये टी शर्ट दो। ऋषा, मेरी टी शर्ट? तो फिर मैं क्या पहनूंगा? तुम मेरी साड़ी पहन लेना। वैसे भी तुम तो ऐसे घूम सकते हो ना। दो मुझे टी शर्ट चाहिए। टी शर्ट दो। दो मुझे टी शर्ट चाहिए। मुझे टी शर्ट चाहिए। दो दो मुझे टी शर्ट। दो अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। इधर ही रहना, आईज क्लोज्ड, नो चीटिंग। ओके ओके, इधर ही। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, मैं खुद करूंगी। मैं टी शर्ट पहनूंगी। नहीं, नो चीटिंग, उधर ही रहो, आईज क्लोज। हाँ हाँ, ओके ओके, नो चीटिंग। हाँ, नो चीटिंग, नो चीटिंग। टर्न करो। उफ, दम घुटने लग गया था। कितना कंफर्टेबल लग रहा है। पता है, अपा ना घर पे ऐसे ही कपड़े पहनते, ऊपर टी शर्ट और नीचे लूंगी। अच्छा ये बता, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी। मेरी पुरानी टी शर्ट ऐसी, उसको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। सच्ची? थैंक यू, थैंक यू। तुम कब आए? हाँ, कितना वेट कराते हो? इतनी देर से क्यों आए? तुम मेरा वेट कर रही थी, मतलब मेरा वेट? तुम्हारा नहीं, मेरा। मेरा वेट कोई कर रहा है? तुम कौन कर रहा है? तुम्हारा कहाँ है? बाहर है। रुको, मैं जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, फिशा फिशा, कौन है? बाहर बाहर मत जाना, ऐसे बाहर मत जाना। बेटा बाहर मत जाना ऐसे, मैं ऐसी गलती हो गई मुझसे। तुमने तो बोला बाहर। कोई वेट नहीं कर रहा था तुम्हारा, तुम सो जाओ। तुम्हें बहुत चढ़ गई है। नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो कुछ फील होता? नहीं, पक्का पक्का कुछ फील नहीं होता। ऋषा, कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तुम सो जाओ। तुम कुछ भी नहीं हो रहा। ऋषा प्लीज प्लीज सो जाओ। अब भी नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अब भी नहीं हो रहा? नहीं। तो ये ड्रम क्यों बज रहा है? इतनी तेज धक धक क्यों कर रहा है? ऐसा तो नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ये ड्रम, आई मीन ये हार्ट बीट तो ऐसे ही, ये तो बस। क्या? ये तो ऋषा, ऋषा तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? पता है, अच्छा भी लग रहा है। मैं अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ बन गई। क्या यार प्रिशा, बैंड बजा दिया तुमने मेरा, सॉलिड एग्जाम लिया, अच्छा हो गया सो गई तुम। आई लव यू प्रिशा, तुमसे ही लाइफ है मेरी। क्या हुआ? क्या हुआ? तू मुझे बता क्या हुआ? कहाँ है तू? क्या किया है तूने? क्या किया मैंने? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं शिमला जा रहा हूँ होटल के काम से, बस उसी में बिजी हूँ। रुद्र, तू अभी झूठ बोलेगा मुझसे? मैं जानती हूँ कि तू कोई होटल के काम से नहीं गया है, क्योंकि तेरे होटल का कोई ब्रांड शिमला में है ही नहीं। यहाँ होटल से फोन आया था तेरे लिए, उन लोगों ने मुझे बताया, फिर उसके बाद मैंने बंटी को फोन किया, उसने मुझे बताया, फिर उसके बाद मुझे अरमान के चाचा जी मिले थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि तू शिमला प्रिशा से मिलने गया है। कितनी बार समझाया था तुझे बेटा, उसे छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, उसे थोड़ा वक्त दे। अरे किसी की पत्नी है वो, एक बच्चे की माँ है, और तू? और मैंने भी आपसे कहा था कि प्रिशा को अनवी की माँ बनना है, ठीक है, लेकिन वो अरमान की पत्नी नहीं बन सकती। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रिशा उस अरमान के साथ एक रात भी अकेली नहीं रह सकती। आप जानती है ना कि प्रिशा मेरे लिए क्या है, मैं कितना प्यार करता हूँ इससे, और आप? नहीं मां, प्रिशा को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो अरमान तो बिल्कुल नहीं, बस इसीलिए आ गया मैं प्रिशा को लेने। क्या? तू उसे वहां लेने गया है? तुझे क्या ये गुड्डे गुड़ियों का खेल लगता है, तमाशा है कोई कि तू वहां जाएगा और प्रिशा तेरे साथ आ जाएगी? उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है रुद्र, वो अब सिर्फ तेरी प्रिशा नहीं है, उसके साथ और जिंदगियां और रिश्ते जुड़े हुए हैं, और उसके लिए रिश्ते क्या मायने रखते, तुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? ये वो खुद मिट जाएगी, लेकिन रिश्तों को मिटने नहीं देगी। क्यों उसे अग्नि परीक्षा में खड़ा कर रहे बेटा? क्यों नहीं समझ रहा है? मत कर ये पागलपन, छोड़ दे, एक बार उसकी जगह रह के तो देख। तू मुझे बता कहाँ है तू, बता जल्दी। वो मैं आपको नहीं बता सकता। रुद्र प्लीज बता दे बेटा कहाँ। माँ प्लीज, कम से कम आप तो मेरी बात समझो। वैसे भी बहुत परेशान हूँ मैं, आपसे घर आके बात करता हूँ। सॉरी, बाय। रुद्र, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी छोड़िए, पहले ये बताइए रुद्र क्या कर रहा है वहाँ? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई है बेहूदगी करने की? क्या किया है उसने? बताया नहीं उसने? उसी से बात कर रही थी ना, अरमान के साथ मारपीट की है उसने, और उसके बाद प्रिशा को लेकर कहीं चला गया। क्या सोच रहा है वो ऐसे गुंडागर्दी करके बच जाएगा? और क्या यही होता है आपके परिवार में? यही संस्कार दिया आपने अपने बच्चों को कि किसी की पत्नी किसी के घर की बहू को लेकर ऐसे भाग जाए? बताइए कहाँ है आपका बेटा, बताइए। मुझे नहीं पता, उसने नहीं बताया। झूठ बोल रही हैं आप, बचाना चाहती हैं आप उसे? मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। तो हम कर ही लेंगे शारदा जी, कब तक छुपेगा वो? पर एक बात याद रखना शारदा जी, प्रिशा को तो हम वापस ले ही आएंगे, लेकिन उसके बाद आपके बेटे का जो हाल होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे? आप सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या? मेरी बात तो सुनिए।
क्या किया है तूने रुद्र? तूने अपने साथ साथ प्रिशा को भी खतरे में डाल दिया। जी चाची जी, कुछ पता चला? नहीं अरमान, अभी उसी की माँ से बात करके आ रहा हूँ। उसकी माँ को भी नहीं पता कि कहाँ है रुद्र। तुझे कुछ पता चला प्रिशा के बारे में? नहीं, अभी कुछ होटल्स में मैंने देखा है, यहाँ तो नहीं है दोनों। अभी कुछ और होटल में जाके देखता हूँ। लेकिन अरमान, ऐसे कितने होटल देखेगा तू? ये सही तरीका नहीं है। ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, अब एक ही तरीका है। हमें प्रिशा का फोन ट्रैक करना पड़ेगा, उसके लोकेशन से पता चलेगा कि कहाँ है ये दोनों। नहीं चाचा जी, उसका फोन ट्रैक नहीं कर सकते। उसका फोन स्विच ऑफ है और मेरे रूम में। लेकिन रुद्र का फोन ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, उसका फोन ऑन है। अभी उसकी बात हुई थी अपनी माँ से। मैं अभी अपने डिटेक्टिव को कॉल करता हूँ, वो पता करेगा इनका लोकेशन। और तुझे कुछ पता चले उसकी लोकेशन के बारे में तो मुझे फोन करके बताना। हाँ चाचा जी, मैं आपको अपडेट करता हूँ। रुद्र मुझसे प्रिशा को दूर नहीं ले जा सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।